सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आपको सबको पता है क्या छठ पूजा से ये विषय चालू हुआ है। छठ पूजा के टाइम भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुझ पर अटैक हुआ, किस तरीके से महिलाओं को भेजा गया, मेरी बेटी को तक के एफआईआर में खींचा गया। इस तरीके से राजनीति छठ पूजा के टाइम, छठ पूजा के टाइम हुई है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। और उसमें कामयाबी नहीं मिलने के वजह से मेरे मंच पे भी आके जब उन्होंने देखा 4000 महिलाएं बैठ गई है छठ पूजा के लिए, तो जब उन्होंने खुद ही से मेरे प्रोग्राम में आके मेरे प्रोग्राम में भी कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहनों ने और अपने मुमरा के लोगों ने उनको खुद को जवाब दिया। अगर वो होने के बाद आप लोग को पता है एक ब्रिज का ओपनिंग था अपना टी जंक्शन वाई जंक्शन के पास का, वहाँ पर सभी लोग आए थे, सभी पार्टी के लोग थे वहाँ पर, मुर्दाबाद जिंदाबाद क्या के नारे लग रहे थे खुद के नेता के लिए, लेकिन वहाँ पर अपने सीएम आ रहे थे, इसलिए मैं भी वहाँ थी। वहाँ पर मुझे पता था क्या हमारे डीसीएम साहब भी आने वाले, तो हम सभी वहाँ जमा हुए थे। तो वहाँ पर से जब प्रोग्राम हो गया, बोलूँ मैं, जब जब प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम होके जब जाने का टाइम आया, तो मैं भी सीएम साहब को मिलने के लिए आगे गई, और उसके मेरे आगे और भी लोग थे, उनको अच्छे से जाने दिया गया। उसके बाद मुझे किस तरीके से धकला गया, जो मेरे साथ बिहेव हुआ, मैं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं हूँ ना, मैं मेरे घर वालों की प्रॉपर्टी हूँ। मैं अगर आप इतने मर्द हैं, अगर उसके बीच में बैठी हूँ, तो आप लोग को तो मैं ये हक नहीं दे रही हूँ कि मुझसे कैसे बात करना है ना, मैं मेरे लहजा में बात करूंगी। तो बोले ना क्या, अगर मुझे, मैंने नहीं दिया था किसी को ये परमिशन, तो उस तरीके से जो मेरे साथ बिहेव हुआ, और मैं जब पुलिस के पास गई, मेरे पास वो वीडियो भी आ गया जिसके बेस पे एफआईआर दर्ज हुआ। मैंने तो जबानी बोल के कुछ हुआ नहीं है, जिसका सबूत भी मैंने दिया जिसपे एफआईआर हुआ। उसके बाद उसी दिन रात को एफआईआर के बाद मेरे पे एक मुमरा में बहुत अच्छे से एक मूवमेंट चालू होता है, टायर जलाया जाता है, मुमरा को रोक दिया जाता है, रिक्शा वालों को जाने आने नहीं दिया जाता है, और सेकेंड डे मेरे पे एक एट्रोसिटी का केस दाखिल होता है, बहुत जबरदस्ती होता है, जो मैंने किया नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। एक वीडियो चलाया जाता है, और वो वीडियो भी जब आधा वीडियो दे के एफआईआर होता है, जब मैं पूरा वीडियो देती हूँ पुलिस को, तो उसमें वो ओपन हो जाता है कि क्या मामला है करके, ठीक है। उसमें से मेरे को कुछ नहीं होता है, मैं अपना काम चालू है अपना चालू, तो लेकिन लोगों को जमा नहीं मुमरा के नार जीता लोगों को लगा कि अरे ऐसे कैसे हम फेल हो गए, पहली बार हम ऐसे कैसे फेल हो गए, हमें तो सक्सेस होना है, हमें तो हमारा हिस्ट्री है कि हमने एक बार किसी को टारगेट किया तो वो यहाँ से तड़ी पार होता है, या एफआईआर होता है, या जेल में जाता है, या वो बेल लेता है। उसी तरीके से मेरे पास साथ हुआ, लेकिन एट्रोसिटी में नहीं हुआ, तो सेकंड प्लान इन लोग का तैयार था, इन्होंने कुछ तैयारी करी थी जो हमारे को, हम काम करने वाले हमको कभी मालूम भी नहीं है सब तैयारी के बारे में। इन्होंने एक मोमेंट ऐसा रखा था कि जिसमें मैं किसी बच्चियों से काम करवा रही हूँ, मेरा कुछ ऐसा रैकेट चलता है जिसमें बहुत गंदे गंदे कलम, 16 से 19 कलम मुझ पे लगाए गए। पहला तो कुछ 10 कलम लगाए गए, उसके बाद और एक एडिशनल चार्ज उसमें लगाया जाता है जिसमें और 10 कलम लगाए जाते हैं, जो मुझे नहीं मालूम था। उसमें भी क्योंकि मालूम था ये एक्शन जो किया है 354 किया है, उसमें तो रिधा को, ये सभी को पता था कि रिधा ये स्टार्ट है, उसके बाद भी पुलिस के पास ये सब चीज़ें जाती है, पुलिस ये सब बातें रखती है, ये सब बात पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस ये सब बात रखती है, और पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं करती है। तो आपने देखा होगा बहुत वीडियो बने, बहुत ट्वीट हुए, बहुत कुछ मेरे को फॉलो किया गया, मेरे साथ जो जो हुआ सब मीडिया में है, क्योंकि मैंने नहीं चलाया, ये सामने वाले लोग ने चलाया, इसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो, और क्या क्यों क्या मुद्दा था उनको ही मालूम, उन्होंने मुझे अरेस्ट करने की जबरदस्ती थाम रखी थी। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, जैसे वकील साहब ने आप लोग को एक्सप्लेन किया, हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट का भी जजमेंट आता है क्या बाबा, जब ये केस चला गया डीसीपी के पास, मुमरा पुलिस स्टेशन से हाईकोर्ट हटाती है, डीसीपी साहब को देती, जोन वन के गावड़े साहब के पास जब जाता है, गावड़े साहब पता नहीं वकील पुलिस ने क्या सबूत रखा
क्या कहा हाई कोर्ट को, क्या हाई कोर्ट ने उनको ही वहां पर डांटा और उन्हीं को ही एक ऑर्डर दिया डीसीपी साहब को कि ये जो भी रचना में शामिल है उन पे एफआईआर किया जाए। ये 3 तारीख की बात है, जब डीसीपी साहब के पास ये बात गई तब डीसीपी साहब, डीसीपी सर के सामने उनको डांट के कहा कि इन पे आपको एफआईआर बनानी है, अपोजिट पार्टी को, जो अपोजिट पार्टी के वकील थे उनको कहा क्या आप पे भी एफआईआर बनानी है। डीसीपी साहब को पूछा गया इन पे एफआईआर बनानी है, तो डीसीपी साहब ने कहा कि मैं मेरे हिसाब से इंक्वायरी के हिसाब से करूंगा। उसके बाद एक ऑर्डर दी गई उसके नेक्स्ट डे पे कि जिस लोग भी शामिल है ये सब चीजों में उस पे कार्रवाई हो। इसका मतलब मेरे हाथ में आ गया कि जिन लोगों ने चिल्लाया था ये गुनेगार है, ये काम करती है, ये धंधा करवाती है, जो जो कहा गया था वो आपने एक ऑडियो में सुना भी, ये कौन थे, मैंने 3 नाम भी दिया किस तरीके से हुआ, इसमें क्या यूज किया गया। मैंने कहा मुमरा के कुछ भेने हैं, ये जिम चलाती है जिसका नाम रौनक है, ये सब बाद में बातें आई, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नाम आए, बहुत सारी चीजें आई जिसमें से नाम आया एक रौनक है जो जिम चलाती है, कुछ पार्लर चलाती है, एक नाम है जो किसी पार्टी की कार्यकर्ता है शबाना, शबाना करके एक है जो साइस्ता है जो अपने इधर की शहर की है, इन लोगों को तैयार करके मेरे पे ये सब तैयार किया। अपने ऑडियो में सुना किस तरीके से भुरके वाली लाओ, क्योंकि ये जो केस बनाया था इन्होंने इसमें क्या होता है पीड़ित का मुंह नहीं दिखाया जाता है, ना ही पीड़ित का कोई पेपर जमा किया जाता है, उसी का फायदा रिधा रशीद पे एफआईआर बनाने में ये लोग ने किया। मैं आज इसलिए आई हूँ कि मैं पूछूं इनसे कि क्यों इन्होंने मुमरा को बदनाम किया, क्यों भुरके को इन्होंने बदनाम किया। अगर लड़ना था तो मेरे काम से लड़ते, मेरे से लड़ते, मेरे सामने आके लड़ते, एफआईआर के जगह पे बहुत सारी चीजें थी वो सामने लेके आते अगर आप लोग को मिलता तो, लेकिन नहीं, आसान तरीका था और आसान तरीके से इन्होंने बातें सोची कि आज हमने भुरके वालियों को, जो आपने, मैंने नहीं बोला ये आपने ऑडियो सुना है, ऐसे बहुत सारी सबूत आप लोग के सामने और भी आएंगे, आगे भी आएंगे, अभी निचले कोर्ट से जब आएगा तो आप लोग के सामने तो पेपरों की गठियां आएंगी, वो आप लोग के पास जब भी आएगी मैं आप लोग को दूंगी, और रोज के वीडियोस आएंगे, रोज के ऑडियोज आएंगे आप लोग के पास, क्योंकि इतना कुछ किया है इन्होंने। मेरा एक ही सवाल है आज देश भर में, मैं तो मेरी बात तो करूंगी, मुझे तो इंसाफ, तो मैं तो बोलूंगी आज देश, हमारे महाराष्ट्र की सरकार और मैं थाने की पुलिस का तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से जो मुमरा में पहला केस है जो बिना बेल के आप लोग के सामने है, मुमरा में पहला ऐसा केस है जो बिना बेल के आप लोग के सामने है, तो इसलिए मैं इन लोग का धन्यवाद करती हूँ कि ये, और खास करके हमारे डीसीपी साहब का, गावड़े साहब का, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पर काम किया, और जितने भी वरिष्ठ है जिन्होंने इस पर साथ दिया मुझे और विश्वास किया, नहीं तो आज के डेट में तो हम ढिंडोरा पीटी रहे हैं ना, विरोधी लोग ढिंडोरा पीटी रहे, देश में ऐसा हो रहा है, देश में ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, बुरकों पे ऐसा हो रहा है, नकाब पे ऐसा हो रहा है, किसने छोड़ा हमारे नकाब को, ये सवाल है, क्योंकि मैं भी उधर की हूँ ना, हम तो लड़ते हैं बुरके के लिए, नकाब के लिए, आज कौन लड़ेगा, कैंडल मास निकलेंगे क्या नहीं मुमरा में, इनको इनको इनकी जगह दिखाई जाएगी क्या नहीं मुमरा में। मैं तो महाराष्ट्र में जा जाके बोलने वाली हूँ ये बात, मैं महाराष्ट्र में जा जाके पुकार लगाने वाली हूँ किस तरीके से मुमरा में भुरके को, नकाब को बदनाम किया गया, क्या जरूरत थी। आप ही बोलते हो ना ये पिक्चर तो उसके लिए है, वो पिक्चर तो उसके लिए है, तो आपने क्या किया, क्या हुआ है मुमरा में, क्यों यूज हुआ मुमरा, क्यों इस्तेमाल किया गया मुमरा मेरे खिलाफ, वो भी नकाब, वो भी भुरका। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया है मुमरा वालों का, मेरे लोगों का, जिन्होंने मुझे एक पल भी छोड़ा नहीं,
मेरे साथ बने रहे, मेरे को हर कदम पे फोन किया गया। मैं ऐसी हालत में आ गई थी, अगर आप लोग का साथ नहीं होता मुमरा करो का तो सच्ची बोलती हूँ मेरे लिए आना और मैं ये सुनने को भी नहीं रहती। इस तरीके से मेरी हालत की गई थी, क्या मैं इस तरीके से एक मुसलमान बदनाम हो जाए? एक तरीके से मुसलमान बदनाम तो होता ही, एक तो धंधा करवाने वाली और करने वाले भी बुरके वाली। कौन सा वाला? बस एक मिनट, कब तक नहीं हुआ? एक तो धंधा करवाने वाली मुसलमान, करने वाली नकाब वाली। किसने इन्हें हक दिया है? किसने इन्हें हक दिया? इस तरीके से इल्जाम लगा के पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मेरे नाम का ढिंढोरा पीटा इन्होंने कि ये आरोपी है। इनको कोई सर्टिफिकेट मिल गया था, इनको कोई जजमेंट आ गया था कि ये आरोपी है, फिक्स हो गई है, लेकिन इन्होंने मुझे आरोपी बना डाला था। इसलिए इतना ही है क्या जो हुआ है, आज मैं भी आप लोग के साथ खड़े रह के पूछूंगी क्यों किया गया, क्यों किया। मतलब इस मामले में मास्टरमाइंड कौन है उनका नाम लेके बताएंगे? षड्यंत्र का पूरे मामले में। एक मिनट भाई, एक मिनट चुप रहो ना भाई। पार्टी के कार्यकर्ता थे वो, पूछ रहे थे आपने नाम लिया चालू करके, पार्टी का कार्यकर्ता थे, आपने अपना नाम नहीं बताया उनका। मुमरा, मुमरा में सत्ता किसकी है? मुमरा में सत्ता किसकी है? मुमरा किसका, कौन सी पार्टी से जो लोग थे आपके ऊपर हाईकोर्ट में गए थे जिस तरीके से आपके ऊपर? हाईकोर्ट में तो वो उसको भेजा था ना उन्होंने, जो एप्लीकेट थी, जो डुप्लीकेट थी, उसको भेजा था उन्होंने। आएगा, आएगा, आएगा सामने। आज आज सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। सबको पता है, आएगा आगे, आएगा। किया ना खुलासा? अधूरी बात रखी है और पुराने लगे हैं। आपकी बात अधूरी है, ये असली साजिश नाम नहीं बता रहे। आप षड्यंत्रकारी कौन है? आपको पता है, आपको पता है नहीं? इसमें तो बहुत से लोग हैं, तो कोई एक होगा ना, इसलिए सबको जो है पूरा चलाया। अभी 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 मुमरा वाले घबराते नहीं है, मुमरा वाले घबराते नहीं ना, तो मुमरा वाले अगर घबराते तो इस तरीके से मेरे को सपोर्ट में आज खड़े नहीं होते। मैडम जैसे कि छठ पूजा से लेके अब तक के आपने जो बताया, एक अब तक की आपने बात बताई, छठ पूजा से शुरुआत की और रैकेट पे खत्म किया आपने, कि आपके ऊपर बैक टू बैक इल्जाम लगाए गए और आपको फंसाया गया, एक ट्रैप बनाया गया, प्री प्लांट षड्यंत्र रचा गया। लोगों का ये भी कहना है, आपके ऊपर आरोप है कि आपकी पार्टी ने आपको मोहरा बनाकर आगे किया इनके खिलाफ, कैसे बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे ठीक है, तो सीएम साहब आए थे 1:15 और ये 12:23 पे 354 का गुना दाखिल हुआ था। बिल्कुल सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। ये जो अभी हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, डीसी साहब को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है कि इसमें कहाँ हद तक क्या है, कौन है, वो पूरा जब मामला हो जाएगा तो आपके सामने पूरा नाम भी आएगा और कौन कौन आरोपी है, आरोपी के पिंजरे में कौन कौन है, वो भी पूरे आरोपी के पिंजरे में आपको खड़े मिलेंगे। आप इस बात से, ये थोड़ा सस्पेंड है डीसीपी साहब के माध्यम से, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डीसीपी साहब को ऑर्डर किया है, वो उन्होंने आपको इस बात का अंदेशा भी है। आपने जैसे कहीं किसी पत्रकार ने पूछा था कि उनको अरेस्ट भी हुआ था, किसी को अरेस्ट नहीं हुआ था, वहां पर डीसीपी साहब ने रेड किया था और वहां पर उनके जो कुछ एविडेंस थे, जैसे कि मोबाइल है, सीसीटीवी फुटेज है, ये सब जो एविडेंस है ना, उन्होंने डीसीपी साहब ने अपने ताबे में ले लिए ले, और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूरा हाईकोर्ट के सामने लेके आएंगे और उसके बाद में हम आपको मैम पूरा डे बाय डे विथ नाम, नाम के साथ, साथ में सब कुछ मिलेगा। अभी आगे आगे चल के सब देखिए, ये जो गुना मैडम के खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है, सबसे पहले मैडम ने 354 का जो एफआईआर किया था, आपने तो देखा होगा वीडियो में था, सबको उस एफआईआर में दिखा होगा कि भाई इनको पकड़ के ढकेला जा रहा है। सिर्फ वो नहीं था, इनको कहाँ पर ढकेला जा रहा है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। ढकेला एक भीड़ के ऊपर जा रहा है जो आदमियों से भरी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक एफआईआर किया, कोई भी कॉमन मैन जाता है पुलिस स्टेशन में एफआईआर करता है,
उस एफआईआर के बाद फौरन ये मेरी क्लाइंट मेरे पास आई, मुझे बोली कि मुझे धमकियों वाले कॉल आ रहे हैं, मुझे बार बार एफआईआर विड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो हमने उसके लिए फौरन हमारी कंप्लेंट्स बनाई और डीसीपी एसीपी तमाम लोगों को कंप्लेंट दिया, और उसी डे वन से हमने अपने मूवमेंट को जहाँ भी हम गए उस मूवमेंट को हमारे पास रिकॉर्ड रखा कि हम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। उसके फौरन बाद रात में आप देखोगे कि पुलिस स्टेशन जाम किया गया, पुलिस स्टेशन जाम करने के बाद टायर जलाए गए, उसके बाद एक एट्रोसिटी का गुना वापस से रजिस्टर्ड होता है, और एट्रोसिटी के बाद देखा गया कि आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन के बाहर ही उपोषण में बैठ जाते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर कि भाई रिजा रशीद को अरेस्ट करो, एफआईआर लो। उसके बाद वो भी एफआईआर 354 के गुना के 12 या 14 घंटे के बाद होता है, वो भी उस इंसिडेंट्स के लिए जो 26 दिन पहले हुआ नहीं था, ऐसा एक इंसिडेंट शंकर मंदिर में आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद जब वो एट्रोसिटी के गुना में फेल हो जाते हैं, जब वो झूठा प्रूफ हो जाता है, तो प्लान बी में ये नया गुना दाखिल होता है जिसमें तकरीबन 15 से 16 कलम सेक्शंस लगाए जाते हैं, वो भी इतने गंदे सेक्शंस होते हैं। उसमें एलिगेशंस ये होते हैं कि ये औरत धंधा कराती है, लड़कियों को बेचती है, और एलिगेशंस के बाद एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक को इस्तेमाल किया जाता है। उस पर एक औरत बैठती है और इंसाफ मांगती है कि मेरी बेटी को इंसाफ दो, हालांकि वो औरत भी बाद में आगे इन्वेस्टिगेशन में छूटी साबित होती है। और जो पिटिशनर इस पर दबाव डालने के लिए एक हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल होता है, जिसके अंदर पिटिशनर हाईकोर्ट में जाके दो प्रेयर मांगती है। सबसे पहला प्रेयर कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक सीनियर रैंक के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, सीनियर रैंक एसीपी या कमिश्नर रैंक का। उसके बाद जो दूसरा उनका प्रेयर होता है, उस प्रेयर में वो कहते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा है, आप इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस होती है, जब जजेस डिवीजन बेंच दो जजेस बैठे हैं, जस्टिस गडकरी और जस्टिस पीडी नायक, जब वो डिवीजन बेंच उसका कॉग्निजेंस लेती है, देखती है, तो उनको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है। तो उसी वक्त उनके प्रेयर के मुताबिक इन्हीं का पिटीशन है, इन्हीं के पिटीशन पे कोर्ट एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है, गणेश गावड़े, जो कि डीसीपी जोन वन के डीसीपी है। उन्हें तो मुमरा शहर के बारे में कुछ पता नहीं था, वो बस जस्ट अपॉइंट हुए थे नए। जब उनके पास इन्वेस्टिगेशन जाता है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में उनकी रिपोर्ट फिर कोर्ट में सबमिट होती है, जहां उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है जो पिटिशनर है वो झूठी है, उसका नाम झूठा है, उसके डॉक्यूमेंट झूठे हैं, और इस पिटिशनर के पीछे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने वाली टीम है, और इसमें शहर के काफ़ी लोग हैं जो आपके सामने, शहर के सामने ज़रूर आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे। और इसके बाद हाईकोर्ट इसमें एक ऑर्डर पास करता है कि उसमें स्पेसिफिक लिखा गया, हाईकोर्ट ने बोला है कि डीसीपी को पावर दिया है कि आप इसके अंदर एक्शन ले सकते हो। इसके अंदर डीसीपी ने एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन किया है, जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में वो सब आपके सामने बहुत जल्द आएगी।